रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी अरेस्ट। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाला मामले में की है बड़ी गिरफ्तारी। अभी की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। क्या है ये पूरा प्रकरण, टीआरपी का ये क्या है पूरा खेल, क्यों हुई है सीईओ की गिरफ्तारी, बने रहिए हमारे साथ, हम करने वाले हैं इसका पूरा विश्लेषण। लेकिन आगे बढ़ने से पहले करूंगा दोस्तों आप लोगों से अपील, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, इससे मेरी अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रभात जागरण पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना संस्करण। रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी, जी हां दोस्तों, उनको कर लिया गया है गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आज सुबह विकास खनचंदानी को पकड़ा है। विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी टीआरपी घोटाले के मामले में हुई है। वहीं बता दें कि पुलिस का कहना है कि टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खनचंदानी का नाम आया, इसके बाद ही मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। विकास खनचंदानी से पूछताछ की जाएगी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया था। अर्नब को जेल भेजा गया था। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट की से उन्हें जमानत मिल गई थी। अर्नब को एक सुसाइड केस के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी उन्हें बेल मिली हुई है। इसके आगे बता दूं दोस्तों कि मुंबई पुलिस ने कुछ समय पहले मुंबई में टीआरपी को प्रभावित करने वाले, मतलब कि फेक टीआरपी, एक घोटाले का पर्दाफाश किया था। आरोप था कि रिपब्लिक टीवी ने मुंबई के कई लोगों को चैनल देखने के लिए रुपए दिए थे। ये वो लोग थे जिनके घरों में टीआरपी मापने वाले डिवाइस लगे हुए थे। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया था कि टीआरपी मामले को लेकर काम करने वाली वर्क संस्था ने के कुछ लोगों ने इसके लिए डाटा लीक किया और चैनल को सौंपा था। तो यही था दोस्तों अभी तक का हमारे पास में जो खबर निकल कर आ रही है टीआरपी घोटाले से संबंधित। इस पर बहुत सारे बड़े बड़े चैनल का नाम आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो बात निकल कर आई है वह यही कि टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ खनचंदानी की हो गई है गिरफ्तारी। तो इससे जुड़ती हुई जो भी खबर निकल कर आएगी सामने, हम जरूर रखेंगे आपके पास। तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह संस्करण आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, इससे मेरी अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रभात जागरण पर। तो मिलते हैं अगले संस्करण में, तब तक देखते रहिए प्रभात जागरण। नमस्कार।